हाथी सभी स्तनपायी स्थलीय जानवरों में से सबसे बड़ा जानवर है, जो मुख्य रूप से सारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। दुनिया में पाए जाने वाले विभिन्न जीवाश्म में पता चला है कि 5 करोड़ साल पहले धरती पर हाथियों का लगभग 170 प्रजातियाँ अस्तित्व में थी। जीवाश्म में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप में पाए गए हैं। वर्तमान में हाथी की केवल 2 ही प्रमुख प्रजाति जीवित बची है, एक एशियाई हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम एरिफस मैक्सिमस है। यह अफ्रीकी प्रजातियों से छोटे होते हैं। एक वयस्क एशियन हाथी का वजन 3000 से 6000 किलोग्राम तक होता है। इसके पास एक जुड़वा गुंबद वाला सिर होता है। इसके बीच में एक इंडेंट होता है। इसका निचला होंठ लंबा और पतला होता है। अफ्रीकी हाथी का वैज्ञानिक नाम लोक्सोडोंडा है। यह सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। इसका वजन 4000 से 7500 किलोग्राम तक होता है। इसका सिर एक छोटा ही गुंबद होता है, अर्थात इसके सिर अधिक गोल होते हैं। इसका निचला होंठ छोटा और गोल होता है। हाथी की सूंड असल में उसकी लंबी नाक होती है। इसका इस्तेमाल वह सूंघने, सांस लेने, पानी पीने और चीज़ों को पकड़ने और खाना खोजने में करते हैं। केवल हाथी की सूंड में ही 1 लाख अलग अलग मांसपेशियाँ होती है। अफ्रीकन हाथी की सूंड के नीचे 2 उंगली जैसे आकृति बनी होती है। इसका इस्तेमाल वह चीज़ों को पकड़ने में करती है। एशियाई हाथी में एक ही आकृति होती है। अफ्रीकी नर और मादा दोनों हाथियों में दांत पाया जाता है। इन दांत की मदद से वे खाने और पीने के लिए जमीन खोदते हैं और पेड़ से छाल उतारते हैं। नर हाथी एक दूसरे से लड़ने के लिए भी दांत का इस्तेमाल करते हैं। हाथी दांत बहुत कीमती माना जाता है और इसकी गैरकानूनी तस्करी भी खूब होती है। हाथी दांत पाने के लिए बड़ी संख्या में हाथियों को मारा जाता है। अफ्रीकी हाथियों के कुछ प्रजाति इन्हीं कारणों से विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुके हैं। भावना को समझने में हाथी कुत्ते से भी तेज होते हैं। हाथी को यह समझ में आ जाता है कि इंसान रो रहा है या हंस रहा है। समझदारी के मामले में कई बार कुत्ते से भी तेज होते हैं। विशालकाय से दिखने वाला इस जीव की रफ्तार इंसानों से अधिक होती है। खतरा होने पर यह लगभग 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। नर हाथी 35-40 वर्षों में पूरे साइज तक पहुँच जाते हैं। उसकी उम्र 60-70 वर्ष तक होती है। हाथी की उम्र अधिकतम 100 वर्षों से अधिक होती है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इसका गर्भकाल औसतन 22 महीने तक का होता है। 1% मामले में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। नवजन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन 112 किलोग्राम तक होता है। हाथी जन्म लेने के कुछ मिनट बाद ही खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के भीतर वह चलने लगते हैं। हाथी रोजाना 150 किलोग्राम की भोजन की जरूरत होती है, इसलिए हाथी हर दिन घास, पौधे और खाने में 12 से 18 घंटे बिताते हैं। इसकी पाचन क्षमता बहुत खराब होती है। इसी कारण अविश्वसनीय मात्रा में मीथेन गैस छोड़ते हैं और दिन में लगभग 150 पाउंड खाद उत्पादन करते हैं। हाथी अपने सूंड से पर्स पर गिरे एक छोटे सिक्के को भी उठा सकते हैं। कई अन्य प्रजातियों की तरह हाथी भी अपने सूंड से ब्रश को पकड़कर कलाकृति बनाने में सक्षम है। यह जीव बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो इंसानों की तरह चीज़ें देख कर सीखते हैं और दोहराते हैं। यह विशालकाय जीव जंगल के कटने और कई कारणों से विलुप्ति की कगार पर है। हमें इसे बचाना चाहिए।